ऊष्मा बहती है। स्टील के 3 ग्लास लें। 3 बड़े बर्तन लें जिसमें स्टील के ग्लास रख सकें। 3ों बड़े बर्तनों में आधे तक नल का पानी लें। स्टील के 1 ग्लास में गर्म पानी लें। 2 ग्लास में फ्रिज का ठंडा पानी लें। 3 ग्लास में नल का पानी लें। गर्म पानी से भरा ग्लास पहले बड़े बर्तन में रखें। ठंडे पानी से भरा ग्लास दूसरे बड़े बर्तन में रखें। नल के पानी से भरा ग्लास 3रे बर्तन में रखें। 3ों ग्लासों को 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही रख दें। गर्म पानी, ठंडा पानी, नल का पानी। 5 मिनट बाद 3ों ग्लासों के पानी में उंगली डुबोकर देखें। पानी में क्या बदलाव आया? क्या गर्म पानी ठंडा हुआ और ठंडा पानी गर्म? क्या हम कह सकते हैं कि गर्म पानी की ऊष्मा कम हुई और ठंडे पानी की ऊष्मा बढ़ गई? गर्म पानी की ऊष्मा कहाँ चली गई? ठंडे पानी को ऊष्मा कहाँ से मिली? अभी ग्लास के आसपास बर्तन में जो पानी है उसमें उंगली डुबोकर देखें। गर्म पानी से भरे हुए ग्लास से ऊष्मा आसपास के पानी में चली गई और आसपास का पानी गर्म हुआ। ठंडे पानी से भरे ग्लास के आसपास के पानी की ऊष्मा ग्लास के पानी में चली गई, इसलिए आसपास का पानी ठंडा हुआ। ऊष्मा हमेशा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की ओर बढ़ती है। नल के पानी से भरे ग्लास में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि ग्लास में भरा पानी और आसपास का पानी दोनों में समान मात्रा में ऊष्मा है। यह प्रयोग आप खुद करके देखें। अपने आसपास अवलोकन करें और ऊष्मा के बहने के उदाहरणों की सूची बनाएं। उदाहरण के साथ यह भी लिखें कि ऊष्मा कहां से कहां तक बह रही है।